नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फेसबुक के बारे में। अभी हाल ही फिलहाल में फेसबुक की जो न्यूज़ आई है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। वो चौंकाने वाली क्यों है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कृपया करके आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ठीक है। तो फेसबुक की जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसने अलाउ किया है कि जितने भी जो हैकर्स है वो कंट्रोल करेंगे फेसबुक के डाटा को। जिस प्रकार से हमारे जो पिछले वीडियो में फ्यूचर नेट VS फेसबुक के बारे में जो हमने कंपेयर किया था, वो चीज़ें हमने आपको बताई थी कि जो आपका जो अकाउंट है फेसबुक के ऊपर, आप जो भी चैट करते हैं वो सिक्योर नहीं है। वो सिक्योर क्यों नहीं है वो अब सामने आप देखिए। फेसबुक के ऊपर अभी हाल ही फिलहाल में USA में केस चल रहा है कि फेसबुक जो भी लोगों की प्राइवेसी है, डाटा है, उसको सेल करता है। लोगों की जो प्राइवेसी है, निजता से जुड़ी जितनी भी जानकारी है उसको यह सेल करता है, और सेल करने के एवज में यह काफ़ी पैसे अर्न कर चुका है उसके बारे में। लोगों की जो सीक्रेट चैट है, कन्वर्सेशन है, जो भी प्रोफाइल है, उसका जो डाटा है उसका मिसयूज़ करता है, और जो VIP लोग हैं उनका इन्होंने हाल ही फ़िलहाल में काफ़ी मिसयूज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं US में जो चुनाव हुए थे उसके दौरान यह सब कुछ हुआ था। तो फिलहाल फेसबुक की जो न्यूज़ है अभी ये आई है कि फेसबुक ने जो भी 50 मिलियन यूज़र्स हैं इसके, उसका जो डाटा है वो हैकर्स को दे दिया है, ताकि हैकर्स जितने भी जो डाटा है उसको कंट्रोल करें और उसकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके रखें। फेसबुक सिक्योरिटी ब्रिच अलाउ हैकर्स टू कंट्रोल द अकाउंट ऑफ अप टू 50 मिलियन यूज़र। तो जितने भी 50 मिलियन यूज़र है उनका जो डाटा, अकाउंट जो चोरी हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, पिक, उनकी पर्सनल पिक, पर्सनल प्रोफाइल्स, और जो भी जानकारी है, ईमेल्स, मोबाइल नंबर्स, चैट कन्वर्सेशन है, वो आगे ना हो, उसको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए 50 मिलियन यूजर्स का जो डाटा है वो कंप्लीट, जो इसके हैकर्स हैं वर्ल्ड फेमस, जो काफ़ी इंटरनेशनली फेमस है जिनका नाम, जितने भी हैकर्स हैं उनको अलाउ कर दिया कि वो डाटा यूज़ करें और उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाए। तो फर्स्ट थिंग जो आप इसमें देख रहे हैं, फेसबुक डिस्कवर्ड ए सिक्योरिटी इश्यू दैट अलाउ हैकर्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। जो जितने भी जो हैकर्स है वो इस प्रोग्राम को ठीक करने के लिए उनको जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया गया है। 50 मिलियन यूजर्स का अकाउंट कंपनी ने अनाउंस किया है शुक्रवार को। तो आपका जो अकाउंट है फेसबुक का, उसका पासवर्ड आपको इमीडिएट चेंज करना होगा, और आपका जो पासवर्ड है, जस्ट लाइक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पासवर्ड कैसे सेट करें, पासवर्ड में 8 से 10 करेक्टर होने चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। @123 जो करके आप पासवर्ड करते हैं वो कभी भी मत डालिए आप, ठीक है। @123 किसी भी पासवर्ड में आप मत डालिए, ABCD यूज़ मत कीजिए। @123 ABCD कंटिन्यू कैपिटल लेटर्स में, और कीबोर्ड के जो ASDF कंटिन्यू जो वर्ड्स हैं वो भी कभी मत डालिए आप, ठीक है। इस तरह से आपको जो सिक्योर पासवर्ड है वो सिक्योर रखना है 8 से 10 डिजिट में। उसमें आपको अल्फा, बीटा, गामा, जो भी है, जो इसके सिंबल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, हैश यूज़ कर सकते हैं, @ यूज़ कर सकते हैं, रैंडम ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, और डिजिट्स है वो डाल सकते हैं, बीच में एक लेटर एक डिजिट, एक लेटर एक डिजिट। इस तरह से आपका जो सिक्योर पासवर्ड रहेगा उसकी कोडिंग करके डालिए आप, और आपका पासवर्ड सिक्योर रहेगा और उसको कोई हैक नहीं कर पाएगा। और जब भी आप लॉगिन करें फेसबुक में तो उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी सेटिंग्स में गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ कर सकते हैं, और ईमेल्स में मैसेज यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपकी ईमेल पे मैसेज आएगा, और आपका मोबाइल नंबर आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका पर्सनल चैट है, अभी तक का जितना भी चैट हुआ है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ताकि आगे जो भी आप चैट करें वो सेफ़ रहे। और पर्सनल पिक वगैरह आप लिमिटेड डालिए ज़्यादा, अगर आप पर्सनल पिक डालते हैं तो आपकी जो पिक है वो इमेज बन के इनके सर्वर में चली जाती है, और आपका जो डाटा है वो मिसयूज़ होता है काफ़ी बार। तो अभी फेसबुक ने जो भी लॉस हुआ है फेसबुक का जो मार्केटिंग में, क्योंकि जो डाटा मिसयूज़ करता है, इसके बारे में अभी केस चल रहा है, और जितने भी हैकर्स हैं उनको अलाउ किया है ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए फेसबुक को, कंपनी ने अभी अनाउंस किया है। जो CEO मार्क जुकरबर्ग है, इसने अनाउंस किया है रिपोर्टर्स को, ठीक है। फेसबुक शेयर्स विच ऑलरेडी डाउन 1.5%, 1.5% इसका जो DBMS है और इसकी जो पॉपुलरिटी वो डाउन हो गई है, जैसे इसने वो अनाउंस किया है। और उसके बाद इन्होंने कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि जो भी इंजीनियरिंग टीम है इसके, जितने भी अटैकर्स आए हैं, हैकर्स आए हैं,
और जो भी फेसबुक के जो कोड्स के रिगार्डिंग जो कोडिंग होती है उसके बारे में यही रिव्यू दिया है कि अभी जितने भी जो अकाउंट है वो सिक्योर किए जाएंगे हैकर्स को यूज़ करके, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा अटैक ना हो और अकाउंट हैक ना हो। तो आने वाले टाइम में फेसबुक के लिए सबसे ज़्यादा सिरदर्दी है कि जितने भी इसके यूज़र्स हैं उनका डाटा सिक्योर कैसे रखा जाए। तो दोस्तों, अगर आपको जो भी फेसबुक हम यूज़ करते हैं, तो फेसबुक क्या करता है कि हम इसके फ्री के कस्टमर्स हैं, जो भी फेसबुक की अर्निंग होती है पूरे साल पर डे बिलियंस डॉलर में इसकी अर्निंग होती है पर डे के हिसाब से, और 50 मिलियन यूज़र्स के अकाउंट है, जो भी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग यूट्यूब वेबसाइट फेसबुक पेज लाइक चैट कमेंट जो भी हम करते हैं उससे फेसबुक काफ़ी पैसा जनरेट करता है। इतना पैसा जनरेट और करता है कि उसका 1% भी वो अपने यूजर्स में नहीं शेयर करता। दैट इज़ द मेन पॉइंट। नाउ इट इज़ पीपल आर गोइंग टू माइग्रेट टुवर्ड्स फ्यूचर नेट क्लब। तो दोस्तों, जो भी काम आप करते हो फेसबुक में वही सेम काम आपको फ्यूचर नेट क्लब में करना है, लाइक शेयर चैट कमेंट। और फ्यूचर नेट लोगों की प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है। अभी हाल ही फिलहाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें एशिया का जो सबसे बड़ा हैकर्स था वो गूगल को भी हैक कर सकता है, फेसबुक को भी हैक कर सकता है, लेकिन फ्यूचर नेट क्लब की जो सोशल मीडिया साइट्स है उसको वो हैक नहीं कर पाया। उसने उसी टाइम फ्यूचर नेट क्लब को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद उसने बोला दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू वर्क एंड ज्वाइन, क्योंकि जो सिक्योरिटी मेजर्स है फ्यूचर नेट क्लब में लोगों की प्राइवेसी मेंटेन करके रख सकते हैं वो, और आप जो काम फेसबुक पे यूज़ कर सकते हो, फेसबुक में 5,000 से ज़्यादा लोग आप ज्वाइन नहीं करवा सकते, फ्यूचर नेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप 5,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन करवा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूचर नेट क्लब में अभी 30 से 35 लाख लोग ज्वाइन कर रखा है, और फ्यूचर नेट के जो अर्निंग प्लेटफॉर्म्स है फ्यूचर नेट सोशल मीडिया से कुछ सेंट्स में आपको अर्निंग होगी। ज़्यादा अगर अर्निंग चाहिए तो आपको जो इनका अर्निंग प्लेटफॉर्म है फ्यूचर एड प्रो एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, 3 से 5 मिनट आपको ऐड देखनी है, एक दिन में 10 ऐड देखनी होती है, 3 से 5 मिनट आप ऐड देखिए और हर 15 मिनट में अर्निंग लीजिए आप वहाँ से। अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं, आप अपने एड पैक्स बढ़ाते हैं तो आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होती जाएगी, और टीम क्रिएट करते हैं तो आपको जो कमीशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और काफ़ी बड़ा अर्निंग का रिसोर्स है फ्यूचर एड प्रो का प्लान। उसके बाद इनका मैट्रिक्स का प्लान है 3x10 का मैट्रिक्स का प्लान, और अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने बैनर्स ऐप की जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की। अगर आप बैनर्स ऐप की जो एप्लीकेशन ज्वाइन करते हैं तो बैनर्स ऐप की एप्लीकेशन में विदाउट इन्वेस्टमेंट आप काफ़ी बड़ा अर्निंग कर सकते हैं वीकली मंथली, और उसमें जो लेवल इनकम है 5 लेवल इनकम वो भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज आप ज्वाइन कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर नेट क्लब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू वर्क, फेसबुक की तरह नहीं है कि आपका वहाँ पे डाटा मिसयूज़ होगा, ठीक है, जस्ट लाइक, और वो आपको अर्निंग देगा। और फ्यूचर नेट के जो अर्निंग के प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा है, मल्टीपल अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है और वो जो कस्टमर्स है उसके उसमें शेयर करता है। तो जो भी सिक्योरिटी मेजर्स है फेसबुक में, जितने भी जो एम्प्लॉय हैं जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं 10 से 20 हज़ार इसके एम्प्लॉय हैं, और ऑलरेडी जो भी सिक्योरिटी आर्म्स हैं जो बीबग्स हैं वो निकालने हैं, जो भी लोगों के द्वारा जो अटैक किए जा रहे हैं उनको ट्राई कर रहे हैं मिनिमाइज़ करने के लिए। तो जुकरबर्ग ने जो बोला अपने उसमें, तो आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, आई वॉन्ट टू अपडेट यू एन इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी इशू वी हैव आइडेंटिफाइड वी पेस्ट दी इश्यू। उन्होंने जो भी बग है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इसके द्वारा जो भी इसके अकाउंट्स है वो हैकर्स को दे दिया गया है पूरा कंट्रोल, और उनको रिमूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आगे हम फ्यूचर में ये नहीं कह सकते कि फेसबुक इज़ सिक्योर प्लेटफॉर्म। तो गाइज फ्यूचर नेट इज़ द मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म नाउ इट इज़, बिकॉज 35 लाख पीपल ऑलरेडी ज्वाइन अराउंड 180 कंट्रीज़, और अभी जो ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा मोमेंटम है। अगर इंडिया में अभी आप काम करना शुरू करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको जो लॉन्ग स्टेबल प्लेटफॉर्म है मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इनकम के, जितने भी मल्टीपल रिसोर्सेज इनके पास हैं इतना आज की दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसका खुद का स्पोर्ट्स एकेडमी है, यूएन फाउंडेशन के द्वारा भी फ्यूचर नेट को सपोर्ट किया गया है, और स्पोर्ट्स का हो गया, खुद के गेम्स हैं और खुद के प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है इसका, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, मैट्रिक्स का प्लान है, एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बैनर्स ऐप का भी एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम में बनने जा रहा है। तो दोस्तों, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो कृपया करके इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए कि फेसबुक को छोड़ के फ्यूचर नेट क्यों ज्वाइन करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है आपका कीजिए, और फ्यूचर नेट क्लब आज के दिन में बेस्ट
प्लेटफॉर्म है। मैं फेसबुक को डिनाई नहीं कर रहा, फेसबुक की वजह से ही आज हम आप लोग आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से, लेकिन फेसबुक के कुछ लूप होल्स है। अर्निंग में फेसबुक आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको अर्निंग करनी है तो फ्यूचर नेट क्लब जो आपसे ज्वाइन कीजिए आप, जो हमारी इंटरनेशनल टीम है, तो आपको हर प्रकार का वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबल सोशल मीडिया अर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके काफ़ी अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ज़्यादा उसके जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में जानने के लिए आप मेरे फ्यूचर एड प्रो, फ्यूचर नेट मैट्रिक, फ्यूचर नेट क्लब क्या है, बैनर्स एप्लीकेशन, इस तरह के जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर दिए गए हैं, कृपया करके आप उनको वॉच कीजिए, तो आपको जो भी जानकारी है वो मिल जाएगी वहाँ से। तो जो जेन्युइन चीज़ है वही हम अपने चैनल पर प्रमोट करते हैं। बाकी आप जो अपना अकाउंट है फेसबुक का, पासवर्ड वगैरह आप अपना सिक्योर करके रखती है, जो भी आपको जानकारी देगी उसके हिसाब से आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।